इंसान से मेरी शादी करवाना चाहती हूँ। उसके अंदर सिर्फ लुक्स के अलावा है ही क्या? तुमने मुझसे मोहब्बत की थी। की थी साथ, अब नहीं करती। बल्कि अब तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जज्बा है ही नहीं। मतलब ये कि मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, और तुमसे जुड़ा हर एक शख्स मुझे अजीज। मैं तुम्हारी खातिर किसी से भी झगड़ा मोल ले सकता। डैड, आपने मुझसे पूछा? मैं सारा से शादी नहीं करना चाहता। अब मैंने कौन सा गुनाह कर दिया भाई? अनजान मत बनो अम्मा, अपने खानदान की बेटियों पर तोहमतें लगा रही हो, ये गुनाह नहीं तो और क्या है? हाँ, आपके बेटे से मिलना तो दरकिनार, वो तो उसका नाम तक सुनना पसंद नहीं करती। बिला वजह बोहतान ना लगाएं। बोहतान नहीं है ये, हकीकत है। कुछ लोगों को उन्हीं की जबान में समझाना पड़ता है, और मुझसे बेहतर ये बात कौन जानता है। ये जंग मेरी है और मैं खुद ही इससे लड़ूंगी। लाहौल वाला कुवत, मैं तो समझ रहा था बात सिर्फ मार्केट तक रहेगी। ना बाबा ना, बस अब और नहीं। हम तो मर थे, खामोश तमाशाई बने देख रहे थे, अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होती ये बेशर्मी और बगैरती के मंजर। पर अब बात हमारे घर तक आ चुके है, हमारी औरतें और बच्चे क्या सीखेंगे यहाँ से? ये ब्याह और नहीं होने दूंगा मैं यहाँ पे। वैसे यकीन नहीं होता कि सुरैया दहन ऐसी भी होगी, उन्होंने तो मोहल्ले के सारे बच्चों को पुराने पाक की तालीम दी है। हाजी भाई जैसा बाइज्जत और गैरतमंद शख्स कोई और भी हो सकता है क्या? तो हाजी साहब पर कौन उंगली उठा रहा है? ये तो उनकी बेटी की करतूत है जो देख कर वो मर गए। और सब छोड़ो, पहली गवाही तो घर से ही मिल जाती है। बब्बन मियाँ सब चीजें जानते हैं, उनकी वाइफ हमारे घर आई थी, एक एक बात बताकर गई मेरी वाइफ को। मैं क्या 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 कहूँ, मुझे शर्म आती है। देख लिया, थोड़े को भी बहुत समझो भाइयों, हम तो नजरें मिलाने जैसे नहीं रहे अपनी बेटियों से। लेकिन कैसे? कैसे क्या, घर चलते हैं, मोहल्ले से निकालेंगे इनको। मैंने आपसे कहा ना बुलाए उनको, मुझे उनसे बात करनी है। नहीं मैम, आप बिल्कुल नहीं जा सकती अंदर, क्योंकि अभी सर बिजी हैं। आपको मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही? बुलाए उन्हें। हेलो, हाँ मैं वही देख रहा हूँ। नहीं आज ही डिसाइड कर लेंगे। जी जी बताता हूँ आपको। ओके, क्या हुआ मिस मारिया? मैंने आपसे कहा था मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। सॉरी सर, बट इट्स अर्जेंट। ऐसा क्या अर्जेंट आ गया? सर बाहर दो खवातीन आई हुई और शोर शराबा मचाया हुआ उन्होंने, और जबरदस्ती आपसे मिलना चाह रही हैं। Who the hell they are? मैं कौन? चलें देखते हैं। क्या तमाशा लगा है? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? जैसे आपकी जुर्रत हुई थी मेरे घर आके मेरी माँ को धमकाने और मुझ पे इल्जाम लगाने की। बेबुनियाद इल्जाम तराशी मत कर। वो कौन तुम? मैं तो तुम्हें जानता ही। अब खुद की इज्जत पे बात आई है तो अनजान बन रहे आप, वरना आपके हवासों पे जितनी मैं सवार हूँ ना, शायद ही कोई और हो। क्यों बकवास है ये, पागल औरत। गार्ड्स बाहर निकालो इन्हें। नए नए तरीके अपना लिए लोगों ने भीख मांगने के। पागल मैं नहीं, पागल आप हैं। और आज आप आए थे भीख मांगने अपने बेटे की ये तस्वीरें दिखाकर। गार्ड्स शक्ल क्या देख रहे हो, उठा के बाहर फेंको इन दोनों को। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। Sorry. Please यहाँ से चलो। चली जाऊंगी मैं,
लेकिन इन्हें कह दो आइंदा वहां आने की मुझे डराने धमकाने इल्जाम लगाने की जरूरत ना करें, वरना बेशक मैं एक मामूली बावर्ची की बेटी सही, लेकिन अपनी माँ और बहनों के तहफ्फुज के लिए ना मैं अपनी जान पे से गुजर जाऊंगी, चाहे फिर सामने सेठ अफजाल हो या फिर कोई फिरौन। आइंदा ऐसे कभी नहीं, शायद ही आज समझ गया कि इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी को एक मामूली सी बावर्ची की बेटी ने हमेशा हमेशा के लिए ठुकरा दिया। चले अम्मी, महल्ले वाले बहुत बिफरे हुए हैं, खुदा जाने क्या हो। लो, तुम्हें क्यों उनकी फिकर होने लगी? अरे मैं तो कहती हूँ जो लोग आग लगा रहे हैं ना उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। कब से कॉल कर रही हूँ असलम, तुम्हें उन्हें अकेला नहीं जाने देना चाहिए था। मैंने तो उनको कहा था पर उन्होंने मुझे कहा तुम लोग घर पे अकेले हो, तुम परेशान मत हो असलम, नीलम अपना और अपने लोगों का प्यार करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वो आ जाएगी थोड़ी देर। तुम तो नीलम के साथ रहते हो ना असलम, तुम्हें पता होगा कि नीलम किससे मिलने गई और क्यों। क्यों, मैं नीलम की बात पर यकीन नहीं? अस्मा, मेरी तरफ देखो। यकीन तो है लेकिन। लेकिन क्या अस्मा? तुम्हें नीलम के यकीन पर टकमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो झूठ की इतनी बड़ी कीमत अदा कर चुकी है, वो जिंदगी में सच के अलावा कभी कुछ नहीं कहेगी। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कभी कभार सच जानलेवा होता है। जानती हूँ, पर ये सब किस लिए असलम? नीलम के लिए इतनी मुश्किलें क्यों? क्योंकि इंसान जब खुदा के बताए हुए हिदायत के रास्ते पर चलता है तो उसे अल्लाह परेशानियों का सामना कराता है ताकि वो साबित कदम रहे। अब देखो ना मैं कितना सुधर गया हूँ, मगर अम्मा अब्बा मुझे हमेशा जलील करते रहते हैं। चलो तुम मुस्कुराई दो, अब इस मुस्कुराहट के सदके मुझे एक चाय पिला। वैसे ही ला देती हूँ, ये पान की दुकान के पीछे लिखे हुए जुमले ना बोला करो। अच्छा। अब मजा आएगा ना, अब मजा आएगा। बावली हो गई हो क्या शन्नी बेगम? सोचो जरा यार, मुझे इसमें हंसने की ऐसी क्या बात है? मुझे तो फिकर हो रही है, फिकर हो रही है मुझे। महल्ले वाले बहुत बिफरे हुए हैं, खुदा जाने क्या हो। लो, तुम्हें क्यों उनकी फिकर होने लगी? अरे मैं तो कहती हूँ जो लोग आग लगा रहे हैं ना उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। वो तो तुम लगा कर आ गई अपने और मेरे दोनों हिस्सों की आग, अब तो दुकान वाले और महल्ले वाले लगाएंगे।
और वो जो मंसूबे बना रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि वो आज रात को ही जो है वो भाभी और बच्चियों को निकाल कर ही दम लेंगे। अरे तो यही तो मैं चाहती हूँ कि उधर वो निकले और फौरन हम जाके बैठ जाएं। कैसा? पता नहीं क्या होता है, मेरा बेटा भी उधर ही है असलम, मुझे उसकी भी फिक्र हो रही है, जज्बाती है, कहीं हिमायत में मारी ना खा बैठे। उसकी क्यों फिक्र कर रहे हो? उसको मैं अभी किसी बहाने से फोन करके बुला लूंगी, लेकिन उनका हिमायती मैं किसी को नहीं बनने दूंगी, ये बात याद रखना। पता तो अब चलेगा नो, खासकर उस नीलम को। रहती हूँ कि अपनी फैमिली से भी बात नहीं कर पाती, और मुझे देखो तुम्हारे जाने हर वक्त अपना हाथ बढ़ाने के लिए तैयार है। साथ तुम पलटोगे तो नहीं? सवाल ही पैदा नहीं। चाहे कुछ भी हो जाए तो वैसा कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि खुद से भी ज्यादा ही। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था कि बाबा इतनी आसानी से मार जाएंगे, लेकिन ये भी की फिक्र थी कि वो मुझे परेशान देख ही नहीं सकते और ये आते वाले भूख हड़ताल बैठे थे। उनसे ये बर्दाश्त हुआ ही नहीं कि मैं भूखी रहूं, तो ना कि वो मान गए बल्कि मुझे अपने हाथ से खाना भी खिलाया। हाउ स्वीट, आई हैव गॉट टू नो, और मैं जैसे तुमने मुझे रोते हुए कॉल की थी, मुझे तो लगा था तुम हमेशा मुझे भूल गए। अब जैसी गाइड है उन्हें फौरन तुम्हारे घर लेकर आऊंगा, तुम्हारा हाथ मांगा और तुम हमेशा मेरे। डैड, मैं पार्टी पे जा रही हूँ, मुझे देर हो जाएगी, तो प्लीज मेरा वेट मत करिएगा। ओके? ये सब आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे आगा साहब, अब तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएं अपनी बेटी पर। तुम जानती हो कि उसे पाबंदियां बर्दाश्त नहीं है, और क्या चाहती हो तुम कि वो मुझसे भी बागी हो जाए? बागी तो वो पहले से, आप किस खुशफहमी में बैठे हुए? मुझे कोई खुशफहमी नहीं है, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी वैसी जिंदगी गुजारे जैसी वो चाहती है। तो आपको क्या लगता है, ऐसा करने से आप उसकी मुश्किलात में इजाफा नहीं कर रहे? कैसी मुश्किलात? अच्छा,
सास से शादी करने के बाद ये सब कुछ उसकी मुश्किलात की वजह नहीं बनेगा क्या? What do you mean? अपने से कमतर लोगों में रिश्ता मैंने इसलिए किया है कि मेरी बेटी किसी भी किस्म की कोई मुश्किलात फेस ना करे, और सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई मेरी बेटी के लिए मुश्किलात खड़ी करे या उस पर पाबंदियां लगाए। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं एक कामयाब बिजनेसमैन जो कोई भी डील बगैर नफे नुकसान के नहीं करता, और नुकसान होने की सूरत में सूद समेत वसूल करना खूब अच्छी तरह मुझे आता है। और ये मेरी बदौलत ही हुआ है जो उस लड़की ने साथ से अपने रास्ते अलग किए हैं, वरना वो तो पूरा इरादा किए बैठी थी हमारे बेटे और उसकी जायदाद पे कब्जा करने के लिए। कुछ नहीं, बस दिल घबरा रहा था, सोचा था मैं तुम्हारे पास बैठा हूँ, ये खाना लगाती हूँ। अम्मू हम इसे नाराज तो नहीं? कैसी नाराज की बेटा, आज तो बहुत राजी हूँ मैं तुमसे। जिस शख्स ने मेरे हाजी साहब की भरी महफिल में इतनी बेइज्जती की, तुमने तो आज उससे बदला ही लिया। नहीं अम्मी, बाबा का बदला तो मैं चाह कर भी नहीं ले सकती, ये तो बस उस बदतमीजी का जवाब था जो हमने आपके साथ किया। हाँ शायद तुम ठीक ही कहती हो, गुरूर का बदला तो अल्लाह खुद लेता है बहुत बुरी तरह से, और हर उस शय के जरिए जिस पे इंसान गुरूर करता है। ठीक कह रही हूँ, मुझे भी अपनी इल्म अकल पे बहुत गुरूर था, और देखिए कितना नुकसान पहुंचाया उसने मुझे, रुस्वा कर दिया। अरे नहीं बेटा, नहीं अम्मी, काश मैं जाहिल होती, दुनिया की चमक धमक ने मुझे अंधा ना किया होता, हम हमारे साथ होते आज। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत सोचो, तुम ऐसे नहीं कहते मेरा बच्चा, कहते हैं। अच्छा छोड़ो ये बातें, चलो खाना लगाते हैं, खाना खाते हैं। आज शाबाश। शन्नी शन्नी, अरे अल्लाह के वास्ते उठ जाओ भाई, क्या हो गया? अब्बा क्या हुआ? अम्मा को पता नहीं, बावर्ची खाने में रोटियां पका रही थी, धाड़ से जमीन पे गिरी, बेहोश हो गई। मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। नहीं नहीं, नहीं अब मेरी बात सुनो बेटा, मैं डॉक्टर को लाया था, उसने पूरा चेक किया है, 500 रुपए बना के गया है वो यहाँ से मेरे पास से, और उसने कहा है कि भाई इनका बीपी गिर गया था जिसकी वजह से ये गिरी और बेहोश हो गई, अभी कुछ खाएं पिएंगी तो होश में आ जाएंगी। तू ऐसा कर, मैं जरा फल खा के, मैं फल काट के ला रहा हूँ इनके लिए, तू जरा इनके हाथ पैर मसल दे बेटा, शायद माँ को होश आ जाए। ठीक है ठीक है। अम्मा अम्मा आंखें खोलो अम्मा, अम्मा अम्मा
प्लीज अफसाल, आप खुद को नॉर्मल करें, फिर आप अपनी तबीयत खराब कर लेंगे। आगे इतनी मुश्किल से आपका बीपी नॉर्मल हुआ है। तुम उस जिल्लत और बदनामी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती जो उस बावर्ची की बेटी की वजह से मैंने उठाई है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अफजाल, लेकिन आपको भी वहां जाने से पहले पूरी तहकीक कर लेनी चाहिए थी, या फिर आप साथ से पूछ लेते। क्या तहकीक कर लेता? और ये मेरी बदौलत ही हुआ जो उस लड़की ने साथ से अपने रास्ते अलग किए, वरना वो तो पूरा इरादा किए बैठी थी हमारे बेटे और उसकी जायदाद पे कब्जा करने के लिए। चलें, ये तो बहुत अच्छा है अफजाल कि उस लड़की ने अपना रास्ता जुदा कर, बस अब आप भी इस बात को छोड़ दें और सिर्फ साथ की फिक्र करें। देखें, वो अब तक घर नहीं लौटा। जब तक मैं इस बेइज्जती का बदला नहीं ले लेता, तब तक तो मैं नहीं भूलूंगा। और रही बात बेटे की, अरे वो तो सचमुच उससे मोहब्बत कर बैठा था, अब बैठा होगा कहीं अपनी मोहब्बत के खो जाने का गम मना रहा होगा। आ जाएगा, तुम फिक्र मत करो, इतनी आराम और आसाइश वाली जिंदगी उसे और कहीं नहीं मिलने वाली। असलम बहुत परेशानी में दौड़ा दौड़ा गया है घर की तरफ। शम्मी की तबीयत कहीं ज्यादा खराब ना हो, ना सेहत दे उसे। अम्मी, आप कैसे अपना दिल साफ कर लेती हैं लोगों की तरफ से? उन्होंने कोई कसर छोड़ी थी हमारी बुराई में, आप फिर भी उन्हें दुआएं दे रही हैं। अम्मी, इस तरह के लोगों को दुआएं नहीं बल्कि बददुआएं देनी चाहिए। बुरी बात है बेटे, ऐसे नहीं कहते, बड़ी है वो। से कहां से आ रही है? हमारे घर के पास है। बिल्कुल नहीं छोड़ना इनको यहाँ पे, ऐसा दरवाजा तोड़ देंगे। बेटा तू भी फल खा ले। अब्बा, अब तुम आ गए हो, थोड़ी देर अम्मा के पास बैठ जाओ, मैं जरा सोने लेटता हूँ, कोई काम हो तो मुझे बता देना। हाँ हाँ, तू जा बेटा, मैं देख लूंगा बाबा, कोई मसला नहीं। चन्नी, चन्नी, निकालो इनको, बंद करो दरवाजा।
हाँ भाई मुझे याद है, कल पेपर है तुम्हारा, टाइम से पहुंच जाऊंगा। क्या क्या? मैं अभी आ रहा हूं। अच्छे से लाया भाई। अम्मा अब्बा ओहो अस्मा 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 कहाँ जा रहे हैं? हाँ पप्पन देख कहाँ जा रहा है वो, कहाँ चला गया? असलम असलम बच्चों की बेगरती नहीं छुपा सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं वसीम भाई, अब बेहयाई और नहीं चलेगी। दीन में इसकी बहुत सख्त सजा है, हम तो सिर्फ घर खाली कराने के लिए आए हैं, जल्द से जल्द ये मोहल्ला छोड़ दें। कैसी बेहयाई? ऐसा क्या देख लिया आप लोगों ने और किस दीन की बातें कर रहे हैं आप लोग? दीन में तो तोहमत लगाने वाले को सख्त सजा है, उसके बारे में सोचा कभी आप लोगों ने? लाए हैं अपने साथ चार गवाह जो इस बात का हल्फ उठा सके कि मैंने क्या गुनाह किया है। अगर नहीं तो 80 करोड़ों की सजा है, कबूल करेंगे आप लोग? अरे ताले क्यों लगाए आप लोगों की जबानों में? बहुत आसान है दूसरों के लिए मुंह खोलना, खास तौर पे जब वो अकेली औरत हो और आप जैसे मर्दों में अपने वजूद को मनवा रही हो। हटो, किसने किया ये? मैंने किया ये। तूने किया ये? पीछे हटो। आते ही लगा ना। अब पीछे हटो। अब पीछे हटो। आज तुझे सबक सिखाने पड़ेगा। असलम छोड़ दो, ये बदनहाज लोग हैं। ये तो उस घर को संसार करने चले हैं जहाँ से हमेशा इन्हें खैर मिली है। चलो यूनियन के पास चलते हैं, थोड़ा पैसा निकलवाएंगे। चलो चलो आखिर ये लोग हैं कौन? कुछ अपने और कुछ बेगाने, और मैं हर एक से वाकिफ हूँ और वक्त आने पे हर एक का जवाब भी दूँ। मुझे खुद बहुत फिक्र हो रही है, अकेला निकल गया है जज्बाती अंदाज में, फोन बंद आ रहा है उसका, भाभी और बच्चियां फोन उठा नहीं रही हैं, महल्ले में पता नहीं अफरा तफरी मची हुई है, कोई तमाशा ना लगा दे। अच्छा
बहुत फिक्र हो रही है तो जाके ले आओ अपने बेटे को। बेटे के लिए इतना तो कर सकते हो, ये भी नहीं कर सकते? सोच तो रहा था, लेकिन तुम जानती हो मेरी तो कमर के मोहरे हिले हैं। वो मुझे तो वहां इतनी भगदड़ में अगर किसी ने दो चार थप्पड़ भी मार दिए, मैं तो गिर पड़ूंगा, मैं बेहोश हो जाऊंगा भाई। मुझे कौन उठाएगा, कौन पहुंचाएगा मुझे अस्पताल? मेरा तो बेटा खुद वहां फंसा हुआ। थोड़ी देर बाद चले चलेंगे दोनों, हाँ? भाई तुम्हें भी तो जाकर उनकी खैरियत वैरियत मालूम करनी होगी। अल्लाह ना करे जो मैं उनकी खैरियत दरियाफ्त करती फिरूं, वो नौबत ही ना आए। मैं तो कहती हूँ महल्ले वाले आग लगा दें उन अम्मा बेटियों को। नहीं नहीं, खैर ऐसा नहीं होने वाला। वो हाजी साहब की बेटियां हैं, इज्जत है, भाभी की एक मुकाम है। इतने बददिल थोड़ी हो महल्ले वाले के उठा के आग ही लगा दें। नहीं नहीं, वो मेरी भी इज्जत है, मैं ये नहीं चाहूंगा बिल्कुल भी। मेरा ख्याल है ज्यादा से ज्यादा महल्ला छोड़ने पर ही मामला टल जाएगा। बात सुनो बब्बनिया, लोग ना आजकल पुरानी बातों को नहीं देखते, नई बातें देखते हैं, नए किस्से देखते हैं। और नया किस्सा ये है कि तुम्हारी भाभी और उनकी बच्चियां ना मोहल्ले में बदनाम हो चुकी हैं, और यही बात काफी है उन्हें डुबोने के लिए। और मुझे तो गुस्सा उस असलम पर आ रहा है जो काट का उल्लू बना हुआ है, एक फोन पर दौड़ा चला जाता है उन माँ बेटी के, पता नहीं कहाँ रह गया है। अल्लाह मेरी भाभी और भतीजियों की इज्जत महफूज रखे, मेरे बेटे की जान सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। कोशिश कर लो यार। अभी तक फोन बंद है उसका। अल्लाह बर्बाद करे उन लोगों को, हार्ट टूटे उनके जिन्होंने ये सब किया आपके साथ। बस अम्मी बहुत हो गया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे और बर्दाश्त नहीं होगा। आप ये घर किराए पे दें, हम किसी और इलाके में जाकर रहेंगे। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे यहाँ से? कुछ लोगों के डर की वजह से अपना घर छोड़ देंगे? हाजी ताया की इतनी यादें जुड़ी हैं इस घर से, इतनी मोहब्बत से बनाया था उन्होंने घर। तो क्या यूं ही रुसवा होते रहे, लोगों से पत्थर खाते रहे? अब ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम परेशान नहीं हो। मैं आज उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करूंगी। अम्मी प्लीज आप चले मेरे साथ। सब चक्रों में मत पड़ो, पहलेदारी है, सब अपने लोग हैं। शर पसंद तो कोई एक आदमी होगा इन सब में से, बाकी सब तो कानों के कच्चे। मैं अच्छे से जानती हूँ कि शर पसंद कौन है। और आखिर ये लोग हैं कौन? कुछ अपने और कुछ बेगाने, और मैं हर एक से वाकिफ हूँ, और वक्त आने पे हर एक का जवाब दे दूँ। तुम्हारे जवाब देने से पहले अल्लाह जवाब दे देगा इंशाल्लाह। अब बुरा करने वालों के साथ मैंने कभी भला होते नहीं देखा आज तक, और बहतान लगाने वाले तो हमेशा रुस्वा होते हैं, ये रब का वादा है। जी अम्मी। अच्छा बेटा, रात बहुत हो गई है बेटे, तुम भी जाओ अपने घर, शर्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है ना, उसे देखो जा। अरे अम्मा तो ठीक है ताई, वो तो बस कमजोरी की वजह से कुछ चक्कर आ गए थे। मैं कह रहा था कि अगर आप कहें तो मैं बाहर बरामदे में आज रात चारपाई डाल के सो जाता। बेटे ये मुनासिब बात नहीं, तुम जाओ इंशाल्लाह सुबह मुलाकात हो। चले ठीक है ताई, पर अगर कोई भी बात हो तो मुझे फोन कर दीजिए। चलो
क्या हुआ सबात, तुम अभी तक सोई नहीं? अफजल साद मेरा फोन नहीं उठा रहा था और अब उसका नंबर बंद आ रहा है। कम ऑन सबात, वो बच्चा नहीं है, अपना अच्छा बुरा समझता है, आ जाएगा। मेरा तो एक ही बेटा है अफजल और मैंने उसके लिए परेशान होना है। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही। ओके एज यू विश भाई, मुझे तो बहुत नींद आ रही, मैं सोने जा रहा हूँ। प्लीज आप जाके सो जाएं क्योंकि मुझे अभी नींद नहीं आ रही। चला गया था भाई, हैं? कहाँ ऐसी आग लग गई थी जो नींद से उठ के भागा है कि माँ का भी ख्याल नहीं कि वो कैसी हालत में पड़ी है। अनजान मत बनो अम्मा, तुम्हारी लगाई हुई आग ही बुझाने गया। पर ये सुनकर तुम्हारी हालत और खराब हो जाएगी कि ज्यादा नुकसान नहीं, मस्ताई के सर पे थोड़ी सी चोटें हैं, बाकी सब खैर। मेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ये अकल तेरी घास चरने गई है। मैं तो घर में बैठी हूँ, मैंने कहा फसाद कर दिए, कहाँ आग लगा दी। फसाद करने के लिए जरूरी नहीं कि आप खुद वहाँ मौजूद हो, सिर्फ थोड़ी सी तीली दिखाओ ना, आग खुद बखुद लग जाएगी। देख रहे हो, देख रहे हो इस कमबख्त को ये कैसी बातें कर रहा है मेरे लिए। अबे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तू बेगुनाह माँ पर इतने झूठे इल्जाम लगा रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? शर्म ही तो आ रही है, तभी तो ये बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि जिन औरतों को हमारी अम्मा जलील कर रही है उनके मुआफे से आप और मैं ही बचे हैं। पर अम्मा नीलम को अब सब पता चल चुका है, और नीलम को आपसे बेहतर तो और कोई नहीं जानता ना। तुम ठीक हो बेटा? अच्छा अच्छा बस, अगर अच्छी जिंदगी गुजारनी है तो हाथ मिलाकर रखो, अभी हमारे नगोसत के दिन खत्म नहीं हुए, समझी ना? कोई हमारी तरकीब काम नहीं कर रही। इनोसेंट है, अभी तो बावर्ची की बेटी के जाल में आ गए। देखो सबात, मैं उसे इस सोसाइटी में एग्जिस्ट करना सिखा रहा हूँ, समझी? अब एक काम कीजिए, उनको जाके बता दीजिए कि मैं सारा से शादी के लिए आ गई हूँ।